उन्नाव जनपद के कोतवाली हसनगंज में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। कोतवाली हसनगंज में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति, जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित योजना प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई है, उसका उद्घाटन फीता काटकर किया गया। फीता जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और कप्तान आनंद कुलकर्णी द्वारा काटा गया। नगर पंचायत मोहान अध्यक्ष खालिद मोहानी ने जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ व शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रत्येक कोतवाली और थाने में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़ित महिलाओं की फरियाद सुनी जाएगी। हेल्प डेस्क में उपस्थित महिला पुलिसकर्मी द्वारा आए हुए सभी प्रार्थना पत्रों की लिस्टिंग की जाएगी। इस हेल्प डेस्क पर पारिवारिक विवादों की भी सुनवाई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आए हुए फरियादियों को संतुष्ट करते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने महिला सुरक्षा को लेकर सभी को जागृत किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्प डेस्क की प्रशंसा की और उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को बहुत ही अग्रणी रूप से संचालन करने का संकल्प भी लिया। उन्नाव से दिवाकर सिंह की रिपोर्ट। शक्ति के अंतर्गत सभी थानों पे महिला हेल्प डेस्क का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि राउंड द क्लॉक वहाँ पे महिला पुलिसकर्मी को उपस्थित की रहेगी और ये थाने का रिसेप्शन के रूप में भी जो सर्व करेगा। जो भी महिलाएं या पीड़ित महिलाएं थाने पे आएगी, उनकी समुचित ढंग से उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए प्रॉपर सुनवाई हो, इसके उद्देश्य से इसको बनाया गया है। यहाँ पे हर व्यक्ति को एक टोकन और एक रिसिप्ट भी दी जाएगी, जिसमें उसकी जाँच किसको आवंटित की गई है और उसके एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई होनी है, इसके बारे में भी विवरण रहेगा। थाने पे रजिस्टर रहेगा और ऐसी सारे कंप्लेंट्स का फॉलोअप जो है थाना प्रभारी के द्वारा रखा जाएगा। साथ ही साथ एक परिवार के काउंसलिंग के लिए, पति पत्नियों के विवाद के लिए काउंसलिंग की भी व्यवस्था इस डेस्क पे रहेगी। तो पूरी तरह से सुसज्ज डेस्क तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर सुनवाई, जन सुनवाई करता है और पीड़ित महिलाओं को एक प्रोटेक्टिव और एक अच्छा एनवायरमेंट देना है, जिसमें वो खुल के अपनी बात कह सकें। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।